आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रिवीजन कर लेते हैं। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे क्या मैग्नेटिक फ्लक्स का नोटेशन है, ठीक है ना। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया। समझना क्या, एक एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास हो रही है उसे क्या कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है ना। जैसे आपके पास क्या है कोई एरिया, जैसे ये मेरे पास एक एरिया है, समझना आ गया। इस एरिया से कितनी फील्ड लाइन्स क्या हो रही है पास हो रही है, ये क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। समझना आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग बात का कंसेप्ट क्या है, ठीक रिवीजन है। मैं सिर्फ कंसेप्ट बताते जाऊंगा, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं बोला सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फ्लक्स से समझ में आ गया, फॉर्मूला याद करके रखें, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या नेक्स्ट जो है हमारा वो है सीधा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉस। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉस, सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ से आया। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि अगर किसी वायर में से करंट फ्लो होता है, और इस का एक्सपेरिमेंट था किसी वायर में से किसी कंडक्टर उसके आसपास क्या बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया, तो करंट से क्या बनी मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ गया। तो फैराडे ने ये सोचा कि क्या हम उल्टा कर सकते हैं, क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो इसी के ऊपर फैराडे ने 10 साल तक काम किया, और 10 साल तक काम करने के बाद उसने क्या बोला कि हमारे पास दो लॉस आ गए, उसने हम लोगों को दो कंसेप्ट बता दिया, दो लॉस बता दिया। वो दो लॉस पर ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, अगर वो दो लॉ समझ में आ गए तो पूरा चैप्टर क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं फैराडेज लॉ या फिर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। तो हमारा सेकंड पॉइंट इसमें क्या है फैराडेज लॉ, लॉ ऑफ कहता है whenever there is a change in magnetic flux associated with the coil or conductor an EMF is induced on the coil or conductor, ठीक है। क्या मतलब बताता हूँ, whenever there is a change in magnetic flux associated को ऐसे घुमा के ज्वाइन करो, क्या बन गया कॉइल बन गया, समझ में आ गया। यहाँ पर आपने कॉइल लिया और यहाँ पर उसके नीचे क्या लगा दिया है गैल्वेनोमीटर। क्यों लगाया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ही कम वोल्टेज या करंट को भी क्या करता है वो सेंस कर लेता है, इस वजह से गैल्वेनोमीटर लगा। अगर यहाँ पर एमीटर या वोल्टमीटर इस्तेमाल करेंगे तो वो इतने कम रीडिंग को सेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, एक कॉइल लिया और क्या लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया दोनों एंड से, और यहाँ पर उसने क्या कर दिया एक मैग्नेट। इसी को कहा जाता है फैराडे का एक्सपेरिमेंट। अब फैराडे के एक्सपेरिमेंट में सारी चीज़ें समझ में आ गई कि अपैरेटस में क्या क्या है। अब वर्किंग की बात करते हैं, वर्किंग में क्या होगा देखो जरा, यहाँ पर क्या ऐसे नॉट से क्या होती है फील्ड लाइन्स निकलती, नॉट से क्या होगी फील्ड लाइन्स निकली, समझ में आ गई यहाँ से आते हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि इस कॉइल से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, 1, 2 और ये 3, समझ में आ गया। कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, 3 फील्ड लाइन पास हो रही है,
समझ में आ गया। तो इस कॉइल से तीन फील्ड लाइन पास हो रही है। अगर हम क्या कर देंगे, ध्यान से सुनो, अगर हम क्या कर देंगे, इस मैग्नेट को आगे लेकर के जाएंगे तो फील्ड लाइन जो बाहर वाली है वो भी क्या हो जाएगा, कॉइल के अंदर आ जाएगी। समझ में आ गया। जैसे नजदीक लेकर आएंगे तो तीन के बजाय कितनी फील्ड लाइन जाएंगी, पांच फील्ड लाइन जाएंगी। समझ में आ गया। तो इसका ये मतलब है कि फील्ड लाइन पहले तीन थी, अब पांच हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, फील्ड लाइन चेंज हो गई। अब फील्ड लाइन चेंज होने का मतलब क्या, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर एक फील्ड लाइन जाने को एक का फ्लक्स मानेंगे तो पहले फ्लक्स कितना था, तीन का। अब उसको आगे लेके जाके क्या कर दिया, पांच का फ्लक्स कर दिया। तो तीन से क्या कर दिया, पांच। जैसे तीन से पांच फ्लक्स किया, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो गया और वो क्या कर देगा, करंट को फ्लो कर पा देगा। ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब आसान भाषा में पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो जाएगा इंच पे, और सर्किट कंप्लीट है तो वो क्या करेगा, चार्जेस को चला देगा। ये मतलब बात समझ में आ गई। तो पहले हमने क्या कर दिया, तीन से पांच को फ्लक्स कर दिया, तीन से पांच कर दिया तो फ्लक्स चेंज हो और क्या हो गया, करंट फ्लो होने लगा। समझ में आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ऐसे मूव करवाया, उसके बाद रोक देते हैं। जैसे ही रोक देते हैं डिफ्लेक्शन भी बनता है। इसका क्या मतलब है कि फ्लक्स में जब चेंज आएगा तभी क्या होगा, करंट फ्लो होगा। जब फ्लक्स स्टेडी हो गया, स्टेडी हो गया मतलब क्या, कॉन्स्टेंट हो गया, तीन से पांच होने के बाद रुक गया, तब करंट फ्लो हुआ क्या, नहीं। उसके बाद जैसे ही पीछे लेकर आ गए, पांच से फिर तीन कर दिया, तब क्या हो गया, उल्टे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बना दिया। इसका ये मतलब है, उसने कंक्लूजन निकाल लिया इससे कि करंट कब फ्लो होगा या ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब फ्लक्स में चेंज आएगा। अगर फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आ गया। वही कहा है उसने, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो इसको याद ऐसे कर लो, पूरे चैप्टर में जो काम आने वाला है, फ्लक्स चेंज तो ईएमएफ इंड्यूस। क्या बोला मैंने, फ्लक्स चेंज तो ईएमएफ इंड्यूस। जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो कर जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। कराऊंगा आज, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब फैराडे का सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, हमारा सेकंड लॉ कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या मतलब इसका, अगर फ्लक्स में जल्दी जल्दी चेंज आ रहा है या ज्यादा ज्यादा चेंज आ रहा है तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा वो भी ज्यादा होगा। अगर फ्लक्स में क्या हो रहा है, कम चेंज आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा डेवलप। क्या मतलब, देखो मान लो एक सेकेंड में जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है वो फाइव का, फ्लक्स चेंज कितना आ रहा है, फाइव का। तो डेल्टा फाइव कितना हमारा, फाइव का। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो पांच वोल्ट का होगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। जैसे इसका ये मतलब हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं तो पांच लाइंस एंटर कर रही निकल रही, एंटर कर रही निकल रही, एंटर कर रही निकल रही। तो समझ में आ गया, इसका मतलब फ्लक्स में चेंज कितना आ रहा है, पांच का। हर सेकंड में क्या हो रहा है, पांच पांच का फ्लक्स चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है, क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो जब पांच का फ्लक्स चेंज होता है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, पांच वोल्ट का। समझ में आ गया। अगर हम ऐसा करें, ये जो इसका मूवमेंट था उसको थोड़ा स्लो कर, एक सेकंड में क्या करता हूं मैं, तीन लाइन एंटर करवा देता हूं, निकाल लेता हूं। वो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो एक सेकंड में अगर ऐसा हो जाए कि फ्लक्स में जो चेंज आए वो थ्री का है, तो सिर्फ थ्री वोल्ट का मान लेते हैं, ये क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। समझ में आ गया, इसमें एग्जांपल है समझाने के लिए। बात समझ में आ रही है कि अगर फ्लक्स में जल्दी जल्दी चेंज आता है या ज्यादा चेंज आता है पर सेकंड, तो हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ इंड्यूस या वोल्टेज जो डेवलप होगा वो भी ज्यादा होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स में चेंज क्या होगा, धीमा होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। समझे, यानी इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, दैट इज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाय डीटी। समझ में आ गया, यानी क्या, ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो फ्लक्स के बदलने की रफ्तार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्लक्स जिस रफ्तार से बदलेगा उसी रफ्तार से, उसी हिसाब से क्या होगा, ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर ये वर्ड आया इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, ऐसा भी तो बोल सकते थे। इंडक्शन वर्ड क्यों आ रहा है, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ, बताया था लास्ट टाइम मैंने कि क्या, अगर हम इंडक्शन की बात करेंगे, इंड्यूस की बात करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, किसी के अंदर से कोई चीज क्या करना, उभार देना। समझ में आ गया। कोई स्टूडेंट है जो थोड़ा सा वीक है
अब एक टीचर आता है और उसको बहुत मोटिवेट करता है, बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, उसको ये भरोसा दिलाता है कि बेटा तू कर लेगा, तो वो क्या इंडक्शन का काम करता है। वो उसके अंदर से क्या कर रहा है, जो उसके पास वो दबी हुई क्वालिटीज थी उसको उसने क्या कर दिया, उभार दिया। तो समझ में आ गया। तो इसके पास भी प्रॉपर्टी थी कॉइल के पास भी, क्या, करंट को फ्लो करवाने की, लेकिन बैटरी बिना लगाए वो करंट को फ्लो नहीं कर सकता था। तो हमने क्या कर दिया, फ्लक्स को चेंज करवा दिया और जो करंट फ्लो करवाने की उसकी प्रॉपर्टी थी ना उसको उसके अंदर से उभार दिया। तो समझ में आ गया, यही क्या होता है बेसिकली इंडक्शन। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डीटी। दोनों के दोनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला जो लेंजेस लॉ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से वो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है ना। सेकेंड लॉ क्या बताता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा। समझ में आ गया, ठीक है। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा और सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि जो करंट फ्लो होगा उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। उसका डायरेक्शन के बारे में फैराडे ने कोई ज़्यादा बात नहीं की। उसने जो बताया था ना उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था प्रॉब्लम। उसने कहा था वो अपोज करेगा लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाए। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लेंस नाम के साइंटिस्ट ने दिया। तो लेंस ने जब इस चीज़ को समझ लिया तो उसका जो पूरा कंक्लूजन था, इन्फ्रेंस था, उसको एक लॉ बना दिया गया जिसको कहते हैं लेंस लॉ, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा भी क्या है, लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या बोलता है, लेंस लॉ बेसिकली हमको बताता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, जो इंड्यूस करंट है उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। तो इसमें लिख देता हूँ मैं, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट का क्या देता है, वो डायरेक्शन देता है, ठीक है ना। लेंस अभी कैसे डायरेक्शन देता है उसको जरा समझते हैं। तो ये कहता है कि डायरेक्शन, द डायरेक्शन of induced EMF or current is such as to oppose the change in magnetic flux. The change in magnetic flux, ठीक है ना, which produces it, which क्या मतलब? इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होता है कि वे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होता है, सुनो ध्यान से, इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होता है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। समझ आ गया, करंट इस तरीके से फ्लो होगा कि वो नहीं चाहता कि मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या है, चेंज आए। समझे, इसने कहा था कि E is directly proportional to d phi by dt और उसने यहाँ पर माइनस लगा दिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या होता है, E is equals to k minus k times d phi by dt। यहाँ पर इन SI सिस्टम में हम क्या करते हैं, SI सिस्टम में k का वैल्यू क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, प्रॉपरली सेट किया जा सकता है। तो E is equals to क्या हो जाता है, वो माइनस d phi by dt। अभी तक पूरा मतलब समझ में नहीं आया, इसका मतलब समझाऊँ, ठीक है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। आपके पास अगर एक कॉइल है, सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या है, अगर एक कॉइल है और इस कॉइल में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, कौन सा सेंस है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सेंस होता है तो उस साइड पे कौन सा फेस बनता है, नॉर्थ पोल, फेस पे कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल। और अगर किसी कॉइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है तो कौन सा पोल बनता है उस फेस पे, साउथ पोल, क्या बनता है, साउथ। समझ में आ गया, ये कहाँ सीखा था आपने, 11th स्टैंडर्ड में सीखा, ठीक है ना। चलो तो ये तो हम लोग ने कर लिया कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो उस साइड पे, उस फेस पे कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ, और अगर क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो उस फेस पे साउथ बनेगा। सेकेंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। अगर आप क्या करेंगे, मैग्नेट को टूवर्ड्स लेकर के जाएंगे, कॉइल के टूवर्ड्स लेकर के जाएंगे, तो टूवर्ड्स लेकर जाने पे क्या होगा, टूवर्ड्स लेकर जाने पे फील्ड लाइन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फील्ड लाइन बढ़ जाएगी तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। समझ में आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लेकर जाते हैं, टूवर्ड्स लेके जाएंगे तो फील्ड लाइन बढ़ जाएगी, फील्ड लाइन बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा। समझ में आ गया, उल्टा जाते हैं, अगर आप मैग्नेट को क्या करेंगे, अवे लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फील्ड लाइंस कम हो जाएगी और आपका फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है ना, ये दो चीजें समझ में आती है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, सुनो ध्यान से,
थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि अगर मेरे पास एक नॉर्थ पोल है, मेरे पास क्या है, एक नॉर्थ पोल, देखो ध्यान से, एक नॉर्थ पोल, मैं चाहता हूँ कि इस नॉर्थ पोल को मैं अपोज करूँ, तो मैं सामने क्या रखूंगा, नॉर्थ या साउथ, अपोज, तो क्या रखना पड़ेगा, नॉर्थ, तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, अपोज करेगा, मैं चाहता हूँ कि इसको क्या करे, सपोर्ट करे, तो क्या रखेंगे, साउथ, समझ में आ गया, तो बिल्कुल भाई यहाँ पर करना है कि नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही साउथ साउथ को क्या करता है, अपोज करता है, नॉर्थ साउथ को क्या करता है, सपोर्ट करता है, समझ में आ गया, अट्रैक्ट करता है, ऐसे बोल सकते हो, और यहाँ पर साउथ नॉर्थ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या सपोर्ट करता है, समझ में आ गया, तो ये समझने के लिए तीन पॉइंट का समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, पहले कॉपी कर लो, नॉर्थ नॉर्थ को अपोज करता है, ठीक है ना, तो हमारा डिस्कशन कहाँ पे चल रहा है, लेंज़ लॉ पे चल रहा है, लेंज़ लॉ को समझने की कोशिश करते हैं, और जो स्टेटमेंट देगा हमने, लेंज़ लॉ क्या कहता है, समझो इसको, आपके पास एक कॉइल है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहाँ पर आपने क्या रख दिया, एक मैग्नेट, समझ में आ रहा है, ठीक, अभी जो फील्ड लाइन जा रही है, वन तो 1, 2, 3, 4 चार, कितनी कितना फ्लक्स है, चार का, ठीक है, तो फील्ड लाइन कितनी जा रही है, चार की, समझ में आ गया, जैसे ही मैं इसको आगे लेकर के जाऊंगा तो ये दो फील्ड लाइन में क्या हो जाएंगी, एंटर कर जाएंगी उसमें, समझ में आ गया, तो कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, समझ में आ गया, तो इसका मतलब फ्लक्स बदल रहा है, चार फील्ड लाइन जा रही थी तो चार का फ्लक्स था, 6 फील्ड लाइन जाएंगी तो 6 का फ्लक्स हो जाएगा, अब करंट इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होता है कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा, इसका ये मतलब है कि वो 4 से 6 होने देना नहीं चाहता है, यानी वो नहीं चाहता कि 4 से क्या हो जाए, 6 हो जाए फ्लक्स, समझ में आ गया, अब वो क्या करेगा, अब अगर उसको क्या करना है, 4 से 6 नहीं होने देना है उसको, तो उसको अपोज करना है, अपोज करने के लिए क्या करेगा, ये उल्टा फ्लक्स बना देगा, यानी करंट को इस तरीके से फ्लो करवाएगा कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्या हो जाए, उसको अपोज करना शुरू हो जाए, अब सामने आ क्या रहा है, नॉर्थ, तो ये क्या करता है, करंट को इस तरीके से फ्लो करवाएगा कि ये नॉर्थ को क्या करे, अपोज करे, अब नॉर्थ को कौन कौन अपोज करता है, नॉर्थ ही अपोज करता है, समझ में आ गया, तो जब उसको आगे लेकर के आएगा तो अपने में क्या करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, करंट को फ्लो करवा लेगा, और अपने साइड पे कौन सा बना लेगा, नॉर्थ बना लेगा, ताकि नॉर्थ नॉर्थ को क्या करे, अपोज करे, तो समझ में आ गया, फिर भी हमारे पास एनर्जी ज्यादा थी, हमने क्या कर दिया, 4 से 6 का फ्लक्स कर दिया, समझ में आ गया, उसके बाद क्या, जैसे हम पीछे लेकर आने की कोशिश करेंगे तब क्या होगा, तब 6 से क्या होगा, फिर 6 तो हो चुका है, अब 6 से क्या नहीं होने देना चाहेगा वो, 4, समझ में आ गया, वो नहीं चाहता कि फ्लक्स 6 से 4 हो जाए, तो क्या करेगा, सपोर्ट करना शुरू कर देगा, कैसे सपोर्ट करेगा, समझा, हाँ, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, अट्रैक्ट कैसे करेगा, अभी यहाँ पर क्या करेगा, ये नॉर्थ है ना, तो क्या करेगा, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवा करके साउथ बना लेगा, ताकि नॉर्थ पोल दूर ना जाए, आपको समझ में आ गया, क्लियर है, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना ये कर रहा क्या है, ये ऐसे कर रहा है कि अगर वो आ रहा है तो उसको आने नहीं दे रहा है, और वो जा रहा है तो उसको जाने नहीं दे रहा है, तो एक स्टेटमेंट में सम अप कर देते हैं लेंज़ लॉ, क्या, आ रहा है तो आने नहीं देगा, जा रहा है तो जाने नहीं देगा, समझ में आ गया, क्लियर है, तो यहाँ पर ये बेसिक रूल यूज करता है नेचर का कि जैसा चल रहा है वैसा चल लेंगे, समझ में आ गया, हमको कोई चेंज नहीं करना, एक बार मैं 4 से 6 पे आ गया तो मैं 6 पे रहूंगा, मैं 6 से 4 पे नहीं होना चाहता, तो समझ में आ गया, इस तरह ना, तो लेंज़ लॉ इस तरीके से क्या करता है, काम करता है, ठीक है, सबको समझ में आ गई बात, और रूल भी लगा सकते हैं आप, कैसे रूल लगाएंगे वो भी बता देता हूँ, अक्सर डायरेक्शन निकालने में काम आता है, देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ उसको डिटेल में, समझने की कोशिश करो, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, राइट हैंड रूल इस्तेमाल करूंगा, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है और ये हमारा क्या है, इस तरीके से नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, अब ऐसे इमेजिन करो कॉइल, ये सामने मेरे कॉइल है, समझ में आ गया, और इस तरीके से क्या आ रहा है, मैग्नेट, समझ में आ गया, ठीक है ना, तो ये हमारा कॉइल है और यहाँ से क्या आ रहा है, मैग्नेट, और ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, बस समझ में आ गई कौन सा है, नॉर्थ पोल, अब क्या होने वाला है, समझो नॉर्थ से क्या होगी, फील्ड लाइन निकलेगी, ये मेरा कॉइल है ना, नॉर्थ से क्या होगी, फील्ड लाइन निकलेगी, समझ में आ गया, अब ये 4 से 6 होने देना नहीं चाहता, तो ये क्या करेगा, जैसे आगे लेकर आऊंगा तो ये अपोज करेगा, तो अपोज करने के लिए करंट को कैसे फ्लो करवाएगा, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, राइट हैंड रूल को इस्तेमाल कर सकता, राइट हैंड टूल इस्तेमाल करूंगा तो क्या आएगा, अब फील्ड लाइन ऐसे जा रही है या पोस्ट करने के लिए क्या करेगा, उल्टी फील्ड लाइन बनाएगा, तो उल्टा कैसे बना सकता है बताओ,
ऐसे तुमने ये किया, ऐसे करंट को रखा, ऐसे समझा, ऐसे रखा तुमने और देखो बाहर की तरफ फील्ड लाइन आएगी, इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसे रखा मैंने तो क्या होगा, बाहर की तरफ फील्ड लाइन आएगी, और ये वाला डायरेक्शन देखो ऐसे, तो ये क्या होगा तुम्हारा करंट का डायरेक्शन जाएगा। आपको समझ आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे भी निकाल सकते कि जो वहां से फील्ड लाइन आ रही है उसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, ऐसे ही जाएगी, तो ये तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा थंब, और उसको तुमने क्या कर दिया, अंदर की तरफ ऐसे क्या कर दिया, घुमा दिया, तो ये वाला डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो समझ में आ गया, तो ऐसे भी सोचा जा सकता है। क्लियर बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेंजेस लॉ ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग आपका मोशनल ईएमएफ वाला पार्ट पे चले जाते हैं। ई इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाय डी। ये क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन लगभग दो या तीन बार 7 मार्क्स कैटेगरी में आ चुका है, थियोरेटिकल प्रूफ ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी, ठीक है ना। तो हमारा जो टॉपिक क्या है, थियोरेटिकल प्रूफ ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई ये प्रूफ करना है, ठीक है, क्लियर। अब इसमें कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो पहले बता देता हूं, ध्यान से सुनो। अगर कोई वायर, करंट कैरिंग वायर, सुनो ध्यान से, कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है ना, तो इस पर फोर्स लगता है बेल साइन थीटा। तो कितना लगता है, बेल साइन थीटा। तो कितना फोर्स लगता है करंट कैरिंग वायर में, बेल साइन थीटा। अगर लेंथ और ये परपेंडिकुलर है तो साइन 90 तो बन जाएगा, तो क्या आएगा, बेल डी आई एल, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो करंट कैरिंग वायर पे तो अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, बी आई एल साइन थीटा, ये फोर्स लगेगा। उसके बाद पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यहां लिख सकता हूं dW / dt, और इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां से एक और भी फॉर्मूला होता है उसका, v into I, वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर EMF, यानी क्या लिखेंगे, E into I, समझ में आ गया। ये दो चीजें आपको आने वाली काम, वर्क डन का फॉर्मूला तो बताइए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वो बताने की जरूरत नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है ना। तो ये दो चीजें कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। आगे क्या है, देखो ध्यान से, आगे क्या है इसमें, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर लूप लेंगे, क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर लूप लेंगे, और उस रेक्टेंगुलर लूप के कुछ पार्ट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म, कैसी है, यूनिफॉर्म। तो पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखा रहा हूं मैं, ऐसे लिखोगे पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, देखो ध्यान से, कंसिडर रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस partly placed in uniform magnetic induction B bar, ठीक है, partly placed in uniform magnetic induction B bar, समझ में आ गया, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद आगे second point में लिखेंगे, B bar is into the plane of the, मेरे लिए बोर्ड, आपके लिए क्या होगा, पेपर, तो मैं आ गया, मैग्नेटिक इंडक्शन मैंने कहा रखा है, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के प्लेन के अंदर, समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में आप डायग्राम बनाओ, ठीक है, डायग्राम कैसे होगा वो समझा देते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देखो कैसा है, हमने कैसा लूप कंसिडर किया, रेक्टेंगुलर, ठीक है, जो पार्टली कहां पर है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो मैं आ गया, आप क्या लिखेंगे, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है ना, इसके बाद क्या, देखो जरा ध्यान से, आपके पास क्या है, एक लूप, रेक्टेंगुलर लूप, समझ में आ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या, यहां से यहां तक का जो आपका लेंथ है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का भी फिलहाल अंतर है, वो क्या है, x, समझ में आ गया। और जो PSS का लेंथ क्या मान लिया मैंने, l मान, ठीक है ना। तो कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है ना, तो थर्ड पॉइंट में लिख लेते हैं, लेट PS इज इक्वल्स टू l, एंड आपका x क्या है, लेंथ ऑफ द लूप इनसाइड दी मैग्नेटिक फील्ड या बी, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो भी आपका लेंथ है, वो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एक्स क्या मान लिया, उसकी लेंथ मान, ठीक है ना। चलो
उसके बाद क्या, देखो जरा ध्यान से, हम क्या करते हैं इसको कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v से क्या करते हैं, पुल आउट करते हैं। समझ में आ गया, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v से क्या करें, बाहर पुल करें। समझ में आ गया। तो आगे के पार्ट में क्या बोल देंगे हम लोग, फोर्थ में, लेट द लूप इज पुल्ड आउट बाय कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v बार। समझ में आ गया, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कितनी, v बार, से हम क्या करें उसको पुल आउट करें। जैसे क्या होगा, उसको बाहर की तरफ हम लोग खींचेंगे, तो पहले देखो कितना फ्लक्स आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 फील्ड लाइन जा रही, मान लो 8 का फ्लक्स था, जैसे तुमने उसको बाहर खींच लिया, 2 फील्ड लाइन चलेगी, तो कितना हो गया 6, यानी फ्लक्स चेंज। मैंने आपको क्या रूल याद करवाया, फ्लक्स चेंज तो ईएमएफ इंड्यूस, और क्लोज लूप है तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब जरा देखो ध्यान से, तो जैसे हम क्या करेंगे, इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट फ्लो हो जाएगा। तो फिफ्थ पॉइंट में हम लोग वही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, हेंस करंट is flowing in the circuit. Circuit में क्या flow होने लगा, current flow होने लगा। समझ में आ गया। अब जरा समझो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले ये समझना है कि जब किसी current carrying conductor को magnetic field में रखते हैं, उसमें क्या लगता है, force बनता है। समझ में आ गया। अभी हमने देखा कितना लगता है, bill लगता है, bill sin theta। समझ में आ गया। तो सबसे पहली चीज तो वो, दूसरा क्या, जो current flow हो रहा है वो कौन से direction में हो रहा है। समझ में आ गया। और एक चीज यहाँ पर ये भी समझनी है कि जो इस पे फोर्स लगेगा वो ये वाले वायर पे कहाँ लगेगा, ये वाले वायर पे कहाँ लगेगा, इस पे कहाँ लगेगा, इस पे तो लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। समझ में आ गया। तो उस पे तो लगने ही नहीं है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, करंट का डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। करंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए आपके पास तो या तो लेंजेस लॉ है या तो राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बोलता है समझो, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बोलता है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपको ये तीन फिंगर्स में से ये वाला डायरेक्शन क्या बता देगा, ये वाली फिंगर क्या बता देगी, करंट का डायरेक्शन बता देगी। समझ में आ गया। क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेट कंडक्टर होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलना चाहिए। समझ में आ गया। तो ये फिंगर क्या बताएगी, करंट का डायरेक्शन। तो जरा समझो यहाँ पर कि ये वाला जो पार्ट है PS, ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है। बात समझ में आ रही। इसी की बात करते हैं सबसे पहले। इसकी अगर बात करूंगा तो इधर पे इसमें कहां करंट फ्लो हो रहा है, तो देखो जरा ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर, कहां उसको पुल कर रहे हैं, बाहर, इस डायरेक्शन में, तो करंट कैसे फ्लो होगा, तो समझ में आ गया, करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं, तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या है, ये वाला। तो यहां पर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अगर एक साइड का मिल गया तो लूप है ना। अब तो आप सारे डायरेक्शन, सारे साइड का करंट का डायरेक्शन निकाल लेंगे। समझ में आ गया। तो करंट का डायरेक्शन निकालना है तो क्या यूज करेंगे, राइट हैंड रूल, और अगर फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो लेफ्ट हैंड रूल। समझ में आ गया। अब फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे समझो, आपके पास ये नॉर्थ हुआ था, नॉर्थ पोल, ये क्या था, साउथ पोल, यहाँ पर क्या था आपके पास, एक वायर जिसमें से क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था। तो इसमें अगर आपको फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे आप बताओ, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये फील्ड का डायरेक्शन है, ये क्या है, करंट का डायरेक्शन है, तो ये क्या है, फोर्स का डायरेक्शन है, मोशन वाला, ठीक है ना। तो फील्ड कहां से कहां है, नॉर्थ से साउथ। समझ में आ गया। फील्ड कहां से कहां है, नॉर्थ से साउथ। करंट कहां से फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर के डायरेक्शन, तो फोर्स कहां लगेगा उसमें, उधर। समझ में आ गया। सेम वही कहानी यहां पर लगा देते हैं, ये वाला वायर पे कॉन्सेंट्रेट करो, किस पर, पीएस पर। पीएस में देखो फील्ड कहां है, अंदर। समझ में आ गया। और उसके बाद जरा देखो ध्यान से, यहां पर मेरे पास क्या है, करंट इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में, फील्ड का है, अंदर। देखो ध्यान से, करंट ऊपर, फील्ड का है, अंदर, तो फोर्स का लगेगा इस डायरेक्शन में, तो उस पर फोर्स का लगने वाला है यहाँ पर। समझा, वापस देखो, फील्ड यहाँ पर, करंट इधर है, तो ये क्या है, फोर्स का डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड रूल क्या देगा, फोर्स का डायरेक्शन। राइट हैंड रूल करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस करंट। समझ में आ गया। इस पे बात करते हैं, फील्ड का है, अंदर, करंट का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन लेना, ये फोर्स का लगेगा ऊपर के तरफ, यहाँ पर क्या लगने वाला है, ऊपर, F1। यहाँ पर बात करते हैं, फील्ड का है, अंदर, देखो करंट कहाँ जा रहा है, ऐसे, तो फोर्स का लगेगा नीचे के डायरेक्शन। आपको समझ में आया, क्लियर है ना। तो ये दोनों जो फोर्सेस है, F1 में F2 दूसरे को कैंसिल कर देना। समझ में आ गया। ये दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, B सेम, I सेम, L सेम, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा कौन से, F। तो
अगर मुझे इसको बाहर निकालना है तो सिर्फ इस एफ के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है ना। तो ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है इस डेरिवेशन का, करंट का डायरेक्शन निकालना और फोर्स का डायरेक्शन निकालना। रट तो तुम लोगे लेकिन समझना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंट्रेंस में इतना सीधा सीधा नहीं आएगा। ठीक है ना, वापस बताता हूँ एक बार। आप राइट हैंड टूल से क्या निकालेंगे, करंट का डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड टूल से क्या निकालेंगे, फोर्स का डायरेक्शन। सबसे पहले किस पे बात करेंगे, करंट के डायरेक्शन। तो करंट के डायरेक्शन में फील्ड कहां पर है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, पीएस पे। फील्ड कहां है, अंदर। समझ में आ गया? उसके बाद आपका जो मोशन है वो कहां है, ऐसा। इस डायरेक्शन में मोशन है, देखो इस डायरेक्शन में मोशन है थंब। तो ये वाला डायरेक्शन क्या है, करंट का। तो ये करंट का डायरेक्शन आपको मिल गया। सबसे पहली बात राइट हैंड से निकाल लिया। दूसरा क्या निकालना है, फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स कितनों पे निकालना है, देखो EQ पर, PS पर और RS पर। समझ में आ गया? तो कैसे निकालोगे इसको, आपने यहाँ रखी फील्ड, समझ में आ गया, उसके बाद क्या आपका करंट का डायरेक्शन। तो फोर्स कहाँ लगा, उधर लेफ्ट में। समझ में आ गया? इसमें फील्ड, ये करंट, तो फोर्स कहाँ जा रहा है, ऊपर। इसमें ये फील्ड, ये करंट, तो फोर्स कहाँ जा रहा है, नीचे। और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल। समझ में आ गया? तो याद रखो, लेफ्ट हैंड क्या देगा, फोर्स, राइट हैंड क्या देगा, करंट। समझ में आ रहा है? चलो अब आपको समझ में आ गया। अब तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें निकालना, अब सब समझ में आ गया। अब क्या लिखा आपने, देखो ध्यान से, ऊपर वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, ईएमएफ इज इंड्यूस। ईएमएफ क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। और अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो उसमें क्या लगेगा, फोर्स। यहां पर क्या लिखेंगे, उसी पॉइंट में कंटिन्यू करो, हेंस फोर्सेस मस्ट act on the sides। समझ में आ गया? sides पे क्या लगेंगे, forces लगेंगे। कौन कौन से force लगेंगे, नाम लिख देते हैं, namely F, F1 and F2। समझ में आ गया? कौन कौन से लग रहे हैं, F लग रहा है, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या बोल देंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बोल देंगे कि F1, F2 दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर। समझ में आ गया? चलो जल्दी से करो। जितना थ्योरेटिकल पार्ट था मैंने करा दिया, अब सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट बचा, ठीक है ना। चलो ये सारी थ्योरी क्लियर हो गई। अब क्या देखो, मैथमेटिक्स का हमने क्या देखा कि पीएस का लेंथ क्या था, एल का, ठीक है ना। और एक्स क्या था, वो वाला लेंथ था जो फील्ड के अंदर है, ठीक है ना, वो वाला लेंथ। तो एरिया निकालना, निकालना चाहता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ क्या निकालना चाहता हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आ गया? मैग्नेटिक फ्लक्स का मैं रेट चेंज निकालना चाहता हूं, तो क्या होता है, d phi by dt। तो d by dt ऑफ phi क्या है, phi है blx। bl तो कांस्टेंट है ना, लेंथ बदल रही है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन बदल रहा है, तो क्या बदलेगा, x। जैसे जैसे लूप को बाहर निकालोगे तो x क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, d phi by dt, देयरफॉर आपको d phi by dt क्या मिल रहा है, d phi by dt मिल रहा है, bl क्या मिला, dx by dt। ये तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही है ना, x क्या है, लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, bl b। तो therefore d phi by dt क्या मिल गया आपको, blb। यहां तक समझ में आया, क्लियर है ना। अब उसके बाद क्या आगे चलते, इसको क्या दे देने का, इसको a दे, ठीक, क्लियर। अब आगे जाए, आगे क्या, सेवेंथ पॉइंट में देखो, हमने क्या बोला कि जो हमारा लूप है उसमें f1 f2 एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अगर वो पॉइंट मेंशन नहीं किया तो तुम लोग कर लेना, ठीक है ना। f1 f2 क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हमको अगर लूप को बाहर निकालना है तो किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, वो एफ के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया, जो एफ वहां लग रहा था उसके अगेंस्ट काम करके लूप को बाहर निकालेंगे। जब बाहर निकालेंगे तभी तो फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तभी क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे नाउ वी हैव टू वर्क डन अगेंस्ट
दी फोर्स एफ, कौन से फोर्स एफ, फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, समझ में आ गया। देयरफॉर वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया तो छोटा सा वर्क डन हुआ, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि फोर्स वहां लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है, अब समझ में आ गया, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या, जरा समझने की कोशिश करो, यहाँ पर जो एफ है वो कितना है, एफ तो होगा बिल साइन थीटा, है ना जुनैद, क्या होगा एफ, बिल साइन थीटा, है ना, यहाँ पर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में, इसकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल था, 90 का, देखो यहाँ पर ये करंट ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो कितना एंगल है 90 का, आपको समझ में आ गया, ऐसे तो साइन 90 क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पर फोर्स कितना लगने वाला, माइनस डी आई एल इंटू क्या है डी ए, ये क्या है डी डब्ल्यू, अब समझ में आ गया, यहाँ पर लिखना सिंस एफ इज इक्वल टू क्या था डी आई एल, समझ में आ गया, ये मुझे डी डब्ल्यू मिल गया, इसको हम क्या बोल देते हैं बी बोल, समझ में आ गया। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी, नेक्स्ट पॉइंट में देखो, एट में पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर, पावर इज डी डब्ल्यू बाई डी टी और ई इंटू आई, ये भी तो होता है पावर, तो देयरफॉर यहाँ पर लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू इक्वल टू ई आई डी टी, डी टी तो ऑब्वियस दिया मैंने, समझ में आ गया ना, इसको क्या बोल देंगे हम लोग सी, यहाँ तक समझ में आ गया। अरे देखो जरा ध्यान से, बी और सी को वर्क डन ये भी मिल रहा है, वर्क डन ये भी मिल रहा है, तो दोनों क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे, जैसे इसको इक्वेट करेंगे क्या मिलेगा वो बता दूं, कॉपी कर, नाइन्थ पॉइंट में देखिए क्या लिख रहा हूं मैं अभी, नाइन्थ पॉइंट में फ्रॉम बी एंड सी वी गेटिंग, बी और सी से हमको क्या मिलेगा, बी और सी से मिलेगा माइनस बी आई एल इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू यहां पर क्या है ई आई इंटू डी टी, यहां से आई क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर बचा क्या हमारे पास बच गया, देखो ध्यान से माइनस बी और यहाँ पर क्या है एल और यहाँ पर क्या है ये डी एक्स और ये डी टी को नीचे मिले, इसी को उसमें क्या आ जाएगा ई, अगर समझ में आ गया बी एल डी एक्स बाई डी टी तो क्या होता है वेलोसिटी, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा माइनस बी एल बी इसी को उसमें क्या आ जाएगा ई, लेकिन ए वाले पार्ट को देखो ध्यान से, ए वाला पार्ट क्या था डी फाइव बाई डी टी, ठीक है ना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देते बट ऐसे लिखेंगे बी एल बी इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, ठीक है ना, कहाँ से आया फ्रॉम ए, देयरफॉर क्या हो जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो आ गया चार मार्क्स के लिए का क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से करके जाना।